नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे रवा ढोकला, वो भी बहुत अलग तरीके से। दोस्तों देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो ये तरीका आप भी सीखिए दोस्तों। तो सबसे पहले हम केक टिन को ग्रीस कर लेंगे तेल से इस तरह से। और यहाँ पे मैंने तड़का छाज लिया है, ये 1 कप है लगभग, 1 कप या 1 गिलास। तो बाउल में इस तरह से डाल लेंगे, और 4 से 5 बड़े चम्मच तेल है रिफाइंड ऑयल, और उसमें डालेंगे हम अदरक और मिर्ची का पेस्ट, और 1 कप है यहाँ पे सूजी, डाल देंगे अच्छी तरह से, और स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों यहाँ मैंने रवा ढोकला बनाने के लिए तड़का छाछ का यूज़ किया है। आप दही का भी कर सकते हो या प्लेन छाछ का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे तड़का छाछ का यूज़ किया है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे बने रहें और वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आप वीडियो देख सकें। तो दोस्तों इस तरह से मिलाते रहेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे, सूजी और छाज अच्छे से मिल जाए, सारी चीज़ अच्छे से मिल जाए। तो उसके बाद हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि मिक्स अच्छे से हो जाए, सूजी अच्छे से फूल जाए। और 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और फिर इसको मिलाएंगे अच्छे से। देख सकते हैं कितना गाढ़ा हो गया है, सूजी अच्छे से फूल गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 3 से 4 चम्मच, और मिलाएंगे इसको अच्छे से। दोस्तों इस रवा ढोकला में मैं एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ डालने वाली हूँ, जो बहुत ही हेल्दी भी है और बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको खाने में, देखने में। तो इस तरह से मिला लेंगे दोस्तों अच्छे से मिक्सचर को। और इसमें अब मैं डालने वाली हूँ वो एक सीक्रेट चीज़ जो बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। ये कलर है जो एकदम नेचुरल है, कुछ भी केमिकल नहीं है इसमें, और ये कलर मैंने बनाया है बीट रूट से। तो अब ये कलर दोस्तों इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। दोस्तों ये कलर मैंने घर पर ही बनाया है, और अगर आप भी बनाना चाहते हैं ये कलर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप भी बनाइए और लिंक को क्लिक जरूर कीजिए, और केमिकल वाले कलर से बचिए दोस्तों। तो इस तरह से मिला लिया है दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, कलर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इस तरह मिलाने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इनो 1 पाउच, पूरा ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, उसके बाद एकदम हल्के हाथों से मिला लेंगे, ज़्यादा जोर से हमें नहीं मिलाना है बिल्कुल भी, इस तरह से हल्के हाथों से मिला लेंगे। दोस्तों रवा ढोकला के लिए बिल्कुल इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, बिल्कुल इसी तरह का बैटर बनेगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें कोई पानी वानी कुछ नहीं डालना है, अब इसको हम केक टिन में डालेंगे इस तरह से। सारे बैटर को इसी तरह से डाल देंगे और टैप कर देंगे इस तरह से, और 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर स्टीम कर लेंगे इस तरह से। और दोस्तों 15 मिनट हो चुका है, हमारा ढोकला एकदम रेडी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कलर बहुत बढ़िया आया है। अब ढोकले में स्टिक डालकर देख लेंगे दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों एकदम पक चुका है ढोकला। अब इसे बाहर निकाल लेंगे, और तड़के के लिए पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसमें सरसों, हरी मिर्च डालेंगे, और इसमें डालेंगे हम 1/2 कप पानी। दोस्तों ढोकले का तड़का बनाना बहुत ही आसान होता है, और इस तरह से पानी डाल दिया दोस्तों। और ढोकले का तड़का, जितना अच्छा आपका तड़का बनेगा उतना अच्छा आपको स्वादिष्ट और टेस्टी आपका ढोकला बनेगा दोस्तों। अब 1 नींबू का रस ऐड कर दिया है, और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता। मैंने यहाँ करी पत्ता यूज़ नहीं किया दोस्तों, धनिया पत्ता ही यूज़ किया है। दोस्तों इस तरह से तड़का बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट आपका ढोकला बनेगा दोस्तों। और ढोकला बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका है ना तड़का, तो इसमें आपका जो टेस्ट है खट्टा मीठा और तीखा, इस तरह से टेस्ट रहेगा आपका, तो आपका ढोकला बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना ढोकला बनाइए और घर में खाइए, सभी को खिलाइए, और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और आप भी अपने घर में बनाइए टेस्टी टेस्टी ढोकला। अब ढोकला भी ठंडा हो चुका है दोस्तों, तो अब इसको इस तरह से चाकू से कर देंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। दोस्तों आप कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है, देखने में बहुत अच्छा है और एकदम से फूल गया है ढोकला। तो प्लेट पे इस तरह से बाहर निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं वाह कितना स्पंजी बना है, देख सकते हैं दोस्तों एकदम जालीदार ढोकला बना है, वाह बहुत ही बढ़िया बना है दोस्तों, आप भी जरूर ट्राई करना। तो अब इसको हम कट कर लेंगे प्लेट में इस तरह से, मैं इस तरह से कट कर रही हूँ दोस्तों, आप किसी तरह से भी कर सकते हैं जो भी शेप आपको पसंद हो। तो इस तरह से काटने के बाद इस पे हम डालेंगे तड़का जो हमने बनाया था, वाओ बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, आप जरूर ट्राई करना दोस्तों ये ढोकला, और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे तड़का। दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो इस तरह से हमारा ढोकला एकदम रेडी है दोस्तों, आप भी रवा ढोकला बनाइए और खाइए दोस्तों, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।